आर्यन देवरे फ्रॉम मुंबई और मैं आज आपको स्पेसएक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और स्टारशिप कैसा वर्क करता है ये भी। स्पेसएक्स 2002 में बना था और उसको बनाया था एलन मस्क ने। तो मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टारशिप एक 2 स्टेजेस फुली रियूजेबल रॉकेट है। ये अपने मतलब मार्स पे लोगों को ले जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले 2022 में एक रॉकेट मार्स पे कार्गो लेके चली जाएगी और 2024 में ये अपना स्टारशिप लिफ्ट ऑफ होने के बाद, सुपर हैवी और स्टारशिप लिफ्ट ऑफ होने के बाद थोड़े ही सतह के ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर सुपर हैवी स्टारशिप से डिटैच होके सुपर हैवी अर्थ के सरफेस पे फिर से लैंड हो जाएगा। उधर स्टारशिप अपना ऑर्बिट पकड़ लेगा और फिर बाद में सुपर हैवी अर्थ के सरफेस पे सेफ लैंडिंग करने के बाद सुपर हैवी के ऊपर फिर से और एक स्टारशिप, उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, वो लेके जाएगा और फिर स्टारशिप कार्गो और स्टारशिप दोनों डी अटैच हो जाएंगे और फिर उसका फ्यूल इसके अंदर ले लिया जाएगा और फिर स्टारशिप और स्टारशिप कार्गो डिटैच होने के बाद स्टारशिप कार्गो अर्थ के सरफेस पे फिर से अच्छे से लैंड हो जाएगा और फिर उधर स्टारशिप अपना मार्स पे चले जाएगा। मार्स के सतह के ऊपर आने के बाद थोड़े ही देर में उन लोग लैंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इधर से मार्स पे जाने के लिए करीब 9 महीने लगते हैं, मतलब 9 मंथ्स। तो उधर वो मार्स के सरफेस पे लैंड करने के बाद उन लोग उधर 3 मंथ्स रुकेंगे क्योंकि उन लोग का वो सामान वगैरह वगैरह होगा। तो उधर वो 3 मंथ्स रुकेंगे, 3 मंथ्स के बाद उन लोग रिटर्न आ जाएंगे। तो बस इतना ही था अभी स्टारशिप का ये। और एक न्यूज आ रही है कि स्टारशिप के अंदर क्या है, मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये है वो पिक्चर, वो ये सब कुछ है स्टारशिप में, पर ये फिक्स है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है कि ये फिक्स हो सकता है। तो हाँ, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टारशिप का इमेज। स्टारशिप अंडर डेवलपमेंट में है पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब मैं स्टारशिप के इमेज दिखाता हूँ। तो ये रही स्टारशिप का अंडर डेवलपमेंट इमेज। तो जैसे कि अभी आपने स्टारशिप का अंडर डेवलपमेंट इमेज देख लिया होगा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टारशिप की हाइट और उसका वजन क्या है। स्टारशिप की हाइट है 122 मीटर और उसका किलो है 50 मिलियन kg। और फिर नहीं सॉरी 50 मिलियन नहीं 5 मिलियन उसका केजी है। फिर वो यूज करता है मेथेन। सब रॉकेट के करीब करीब ना दूसरे फ्यूल होते हैं और स्टारशिप का भी ऐसा ही एक फ्यूल है, उसका नाम है मेथेन। और फिर थोड़े देर के बाद वो स्प्लैश डाउन तो नहीं होगा, सिर्फ ही लैंडेड हो जाएगा और फिर बाद में क्या होगा नहीं पता, वो एक अनबिलीवेबल फ्यूचर होने वाला है। तो हाँ, हम वेट करेंगे वो वाला दिन आने के लिए। तब तक मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। टिल देन बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय। शिप एक ट्रैवल भी करेगा, मतलब दिस कंट्री टू दिस कंट्री भी जा सकता है और मतलब उसके उन लोग को कम समय में अगर दिस ये कंट्री से वो कंट्री में जाना है तो स्टारशिप की मदद से जा सकता है। जल्दी ही स्टारशिप बन जाएगा और तब तक वीडियो